हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इटरेशन स्टेटमेंट्स जावा में होते हैं मेनली थ्री, फॉर, वाइल और तीसरा डू वाइल। इनके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये स्टेटमेंट्स ऐसा में हम लोग लिख सकते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स क्रिएट व्हाट वी कॉमनली कॉल लूप्स। मतलब कि इन स्टेटमेंट का जब भी हम यूज करते हैं तो हम क्या क्रिएट करते हैं, हम एक लूप क्रिएट करते हैं। अब लूप क्या होता है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, इट रिपीटेडली एक्सिक्यूट्स द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। तो लूप क्या होता है, तो इट रिपीटेडली एक्सिक्यूट्स द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। मतलब कि कुछ कंडीशन होगा, स्टार्ट का कंडीशन हो सकता है या फिर टर्मिनेट होने का कंडीशन हो, या दोनों हो सकता है, और उस कंडीशंस के बेस्ड पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिपीटेडली एक्सिक्यूट्स होंगे। कई बार नॉर्मल सिचुएशंस में भी, नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ही काम को बार बार करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी हम लोग एक ही स्टेटमेंट्स या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एक्सिक्यूट करते हैं। तो आइए हम वाइल लूप से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वाइल लूप को मोस्ट फंडामेंटल लूप स्टेटमेंट भी बोला जाता है। सिर्फ जावा ही नहीं, जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे सी और सी प्लस प्लस, उसमें भी सबसे फंडामेंटल लूप अगर कोई है तो वाइल लूप को ही माना जाता है। ये क्या काम करता है, तो इट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ब्लॉक व्हाइल इट्स कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। हाँ, मतलब कि एक स्टेटमेंट हो या फिर एक ब्लॉक हो, उसको ये तब तक रिपीट करता है, उसके एक्सिक्यूशन को तब तक रिपीट करता है जब तक कि जो कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो। हम लोग इसे जनरल फॉर्म के थ्रू समझ सकते हैं। जनरल फॉर्म अगर लिखा जाए तो व्हाइल कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ओपन किया, यहाँ पर हम लोग बॉडी ऑफ लूप लिख सकते हैं और फिर हम इसे एंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ही ये वाइल लूप के अंदर जो बॉडी है वो तब तक रिपीटेडली एक्सिक्यूट होता जाएगा। ये कंडीशन जो है कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर ऐसा एक्सप्रेशन जो रिजल्ट एज ए बुलियन दे, और ये बॉडी ऑफ द लूप तब तक एक्सिक्यूट होगा जब तक एक्सप्रेशन ट्रू होगा। हाँ, तो अगर बुलियन है तभी वो ट्रू रिजल्ट देगा, बुलियन एक्सप्रेशन होना बहुत ही कंपलसरी है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो जो कंट्रोल है, एक्सिक्यूशन कंट्रोल जो है वो वाइल लूप के जस्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा उस पे ट्रांसफर हो जाएगा।
मतलब कि वाइल लूप के अंदर वाला स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो वाइल लूप में, मतलब कि सिंगल स्टेटमेंट ही हो जिसे आप बार बार रिपीटेडली एक्सिक्यूट करना चाहते हो, तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए इन चीज़ें जो मैंने बोली उनको हम की पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। हाँ, तो पहला हमारा क्या हमने बताया था कि द कंडीशन कैन बी एनी बुलियन एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एक्सिक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इफ फॉल्स कंट्रोल पासेस टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर लूप। हाँ, और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने बात किया था कि कर्ली ब्रेसेस आर अननेसेसरी इफ ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट इज रिपीटेड। आइए हम अब हम एक सैम्पल प्रोग्राम लेते हैं और उसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक क्लास लिया, क्लास का नाम हमने वाइल दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हमने डब्लू कैपिटल लिया है। वाइल जो कीवर्ड है जावा में वो स्मॉल डब्लू से स्टार्ट होता है और हमने कैपिटल लिया है, तो ये मतलब कि ऐसा हम लोग ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद लिखा पब्लिक स्टैटिक वायर में स्ट्रिंगस, और अब हम लोग एक इंटीजर लेते हैं एन, और इसको हम लोग असाइन करते हैं एक वैल्यू 10। हमने वाइल लूप लिया, एन इज़ ग्रेटर देन 0 लिया। अगर एन इज़ ग्रेटर देन 0 है तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा, नहीं तो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन एन 10 है तो ये कंडीशन ट्रू होगा पहले चांस में, और ये प्रिंट हो जाएगा टिक एन, टिक पहले प्रिंट होगा और एन का वैल्यू है 10 दूसरे बार में। हाँ, उसके बाद यहाँ पर एक ये हमने ऑपरेटर का यूज़ किया, इसमें क्या होगा, एन का वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगा तो एन का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे फिर से ये कंडीशन चेक होगा तो 9 फिर से 0 से बड़ा है तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा टिक 9। इसी तरह से 8 7 6 5 4 3 2 1 ये टिक ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ये टिक 10 से टिक 1 तक ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली है कि वाइल लूप क्या करता है कि कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है, ये वाइल लूप का जो है वो पहले चेक करता है और उसके बाद ही अलाउ करता है कि अगर वो ट्रू है तो अंदर का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो सकता है, अगर वो नहीं है तो अंदर का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो मतलब कि दूसरे लूप में आगे हम लोग डू व्हाइल के बारे में बात करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसका केस थोड़ा अलग है, बट इसमें सबसे पहले हमारा कंडीशन ही चेक होता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा या नहीं होगा। ठीक है,
इसे हम एक सैम्पल प्रोग्राम के बारे में की हेल्प से भी देख सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं ए, उसको वैल्यू दिया 10, बी को वैल्यू दिया 20, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कॉमा होगा। उसके बाद अगर हम ऐसे लिखें कंडीशन वाइल ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ हम कोई सा भी स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, तो क्या होगा कि हाँ, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वाइल लूप ही ये कंडीशन पहले टेस्ट होगा। तो कंडीशन अगर टेस्ट हुआ यहाँ पर, बट ए जो है वो कभी भी किसी भी तरह से 10 20 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट कभी भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट नेवर एक्सिक्यूटेड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमने एक और सैम्पल प्रोग्राम लिया। इस सैम्पल प्रोग्राम से हम एक और नई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जावा में जब भी हम वाइल लूप लेते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि उस वाइल लूप का एक बॉडी हो। मतलब कि वाइल लूप का जो बॉडी है वो एम्प्टी हो सकता है। क्यों ऐसा पॉसिबल है? तो जावा में हम लोग नल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नल स्टेटमेंट का मतलब है कि सिर्फ हम लोग सेमी कॉलन दे दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ टर्मिनेशन हुआ है, मतलब कि एक स्टेटमेंट का टर्मिनेशन हुआ है, तो हम बिना कोई स्टेटमेंट लिखे भी डायरेक्टली सेमी कॉलन लिख सकते हैं। इसे हम लोग नल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। हाँ, तो जावा हमें अलाउ करता है कि हम वाइल लूप या कोई भी लूप हो उसके बाद जो है हम उसके साथ कोई स्टेटमेंट नहीं लिखें, सिर्फ हम नल स्टेटमेंट, सिर्फ हम सेमी कॉलन का यूज करके ही आगे बढ़ जाएं, ऐसा मतलब पॉसिबल है। इसके लिए ही हमने ये प्रोग्राम लिखा। आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं। नो बडी, हमने बॉडी का यूज़ नहीं किया यहाँ पर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग अर्ग्स लिया। आई इज इक्वल टू 100 लिया, जे इज इक्वल टू 200 लिया। हमने आई के वैल्यू को यहाँ पर हम एक एक करके हर बार हर इटरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जे के वैल्यू को हम लोग कम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक कमेंट लिया है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ हमने लिखा नो बॉडी इन दिस लूप, मतलब कि इस लूप में कोई बॉडी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, बात है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूँकि बॉडी तो नहीं ली है तो यहाँ हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि कोई टर्मिनेशन हुआ है। अब ये क्या करेगा, अब ये प्रोग्राम क्या करेगा कि अंदर कोई बॉडी तो नहीं है, तो इससे क्या होगा कि वाइल लूप का कंडीशन टेस्ट होगा और ये बिना कुछ एक्सिक्यूट किए ही नेक्स्ट टाइम ये इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट करेगा। तो चूंकि डिफरेंस 100 का है, 100 और 200 में, तो ये लगभग 50 टाइम्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब 50 टाइम्स कंडीशन चेक करेगा। हर बार जब कंडीशन चेक होगा तब आई का इंक्रीमेंट होगा और जे का डिक्रीमेंट होगा। लगभग 50 टाइम्स ये प्रोसेस फॉलो होगा, और लास्ट में जो है 100 और 200 का जो मिड पॉइंट होगा, जहाँ पर आकर आई मतलब रुक जाएगा, जहाँ पर आई और जे शायद इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब क्या होगा, वो मिड पॉइंट यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और वो मिड पॉइंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ऐसा, आएगा मिड पॉइंट इज 50, ऐसा इसका आउटपुट आएगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉर लूप या वाइल लूप या कोई सा भी लूप हो तो उसमें बॉडी होना बहुत ज़रूरी नहीं है। सारा एक्शन यहाँ पर बॉडी तो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये प्रोग्राम
एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, और वो टास्क क्या है, मिड पॉइंट इवेलुएट कर रहा है, मिड पॉइंट मतलब कैलकुलेट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने बॉडी नहीं दिया तो वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, बॉडी नहीं होने पे भी हम लोग लूप के थ्रू ही, लूप के कंडीशन के थ्रू हम लोग अपना लॉजिक, अपना प्रोग्राम का जो टास्क है वो कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रोफेशनली रिटन जावा कोड की बात की जाए तो इस तरह के लूप्स का यूज जो है फ्रिक्वेंटली कई बार किया जा सकता है, मतलब कि बिना बॉडी का लूप हो सकता है, ये पॉसिबल है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता हो बट बिना बॉडी का लूप हो सकता है। और उन सारे केसेस में जो आपका ये कंडीशन है, मतलब कि ये जो कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है वो ही सारा, मतलब जो डिटेल्स है, मतलब सारा जो टास्क है वो ये कंडीशन या फिर कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है वही वो सारे टास्क को परफॉर्म करता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।